Hello Magical Minds, welcome to Eduattack. Today we will study about section 129 of Companies Act 2013, which says about financial statements. Financial statements. आप सभी ने 11th and 12th class में जरूर financial statement पे कहीं ना कहीं हर बंदा जो commerce से related है वो financial statement पे काम करता है, directly and indirectly. जो हम balance sheet बनाए हुए होते हैं school में, कॉलेजेस में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, स्कूल में बनाते हैं कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आप बनाते होंगे, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है. तो हमने प्रैक्टिकल अप्रोच तो हमने किया है लाइफ में, बट सेक्शन कभी नहीं पढ़ा. तो सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट 2013 का डील करता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में. ये कैसे बनना चाहिए, इसे ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे मिलेगा, कौन कौन सी कंपनी पे लगता है, कोई क्या कोई ऐसी कंपनीज है जिसपे सेक्शन 129 नहीं लगता है, अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ रॉन्ग चीजें डालता है तो उसके लिए पनिशमेंट पेनल्टी क्या है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे सेक्शन 129 की. तो आइए इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्राइब्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी क्या मतलब है? बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. या अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कोई स्टेट जब आपकी इक्विटी चेंज होती है, शेयर होल्डर्स का पैटर्न चेंज होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तब भी हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं. ये सारी की सारी चीजें हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हर एक कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होती है. जब एजीएम होती है तो भाई जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो एजीएम में देखना चाहते हैं कि उनकी कंपनी कितना ग्रोथ करी, क्या फाइनेंशियल उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसने पूरे साल इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उसके एक्सपेंडिचर्स हैं. ये सारी की सारी एक ब्रीफ समरी फॉर्म में उनको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में दी जाती है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो काफी डिटेल में होती है उसी चीज से फिल्टर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. तो बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी या कोई भी एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स्ड टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू अबव, अगर कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट है ऊपर दी हुई किसी भी तीन चीजों में से, किसी कैश फ्लो पे एक्सप्लेनेटरी नोट हो सकता है, आप बैलेंस शीट में, हम नहीं जो लेटेस्ट बैलेंस शीट बना रहे हैं स्टूडेंट्स उसमें नोट्स टू अकाउंट बनाना जरूरी होता है, तो नोट्स टू अकाउंट भी आपका एक्सप्लेनेटरी नोट का ही पार्ट है. किसी भी ट्रांजेक्शन का कोई एक्सप्लेनेशन है तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है और वो सेक्शन 2 क्लॉज 40 की डेफिनेशन के अंदर आएगा. राइट. The financial statement with respect to one person company, OPC, इसे short form में one person company को हम OPC बोलते हैं, जिसमें एक director होता है, one person खुद ही अपनी company को incorporate कराते हैं. Small company और dormant company may not include the cash flow statement. भाई OPC है, small company है, dormant company, यहाँ पे cash flow ज़्यादा हो तो cash flow statement यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सेक्शन 2 क्लॉज 40 ने इन कंपनियों को ऑप्शन दे रखा है कि वेदर दे लाइक टू मेंटेन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट और नॉट, बिकॉज हियर द वर्ड इज रिटन मे. अगर आपके पास एक ओपीसी कंपनी है, आपके पास स्मॉल कंपनी है, तो आप चाहो या ना चाहो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो, ये आपके विल पे है. सेकेंडली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल इंक्लूड एनी नोट्स एनेक्स टू अ फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट giving information required to be given and allowed to be given in the form of such notes. Financial statement include करता है कोई भी notes. अब आया असली section 129. Definitions over. Now the real section 129 starts here. Now what is the basic requirement as to financial statement? भाई financial statement का जो basic requirement होता है वो क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं true and fair view. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड कराती है मेंबर्स को? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी या कंपनीज. जो भी मेंबर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के जान पाते हैं कि उनकी कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, वो किस में डील कर रही है कंपनी. सेकेंडली,
comply with the accounting standards which are mentioned and notified under section 133 of the Companies Act 2013. सारे accounting standards को follow करके वो financial statement बने. Be in the form या be in the forms provided in Schedule 3. Schedule 3 में forms provided है Companies Act 2013 के. Items contained in financial statement shall be in accordance with the accounting standards. जो भी financial statement में जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी balance sheet, P&L, cash flow या statement of change in equity, वो सारी की सारी चीजें आपने कैसी बनाई हो, वो accounting standard के according बनाए हो, जो कि notified है under section 133 में. Accounting standards आपको follow करने ही पड़ेंगे financial statement बनाने में. अब नाउ द अबव रिक्वायरमेंट्स नॉट एप्लीकेबल टू, अभी जो हमने चार बातें करी कि ट्रू एंड फेयर व्यू, कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्म्स प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 3 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है. तो कोई भी एनी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जिसका काम इंश्योरेंस देना है, इंश्योरेंस किसी का करना है, किसी भी तरीके का हो सकता है वो इंश्योरेंस, जनरल मोटर एनीथिंग, एनी इंश्योरेंस कंपनी और एनी बैंकिंग कंपनी जिसका सिर्फ बैंकिंग ही काम है, बैंकिंग रिलेटेड वर्क है उसका पूरा, एनी बैंकिंग कंपनी, एनी इंश्योरेंस कंपनी या एनी कंपनी विच इज इंगेज इन जनरेशन या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कोई कंपनी जो कि जनरेट या सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी, या एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी ऑफ विच अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्पेसिफाइड, या कोई ऐसी अदर कंपनी जहां पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग से फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अलग से स्पेसिफाई करिए गवर्नमेंट. सो इन चार तरीके की कंपनीज में ये अबव बेसिक रिक्वायरमेंट्स देना जरूरी नहीं है, मतलब उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना जरूरी नहीं है. ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी. चार चीजें हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं लगता है, बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता है, या कोई कंपनी जो कि जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में लगी है, या कोई ऐसी क्लास ऑफ कंपनी जिसको खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से उसको स्पेसिफाइड है, उन चार इन चारों केसेस में हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. नाउ एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, एजीएम, इसमें शेयर होल्डर्स आते हैं, मीटिंग करते हैं, जानते हैं अफेयर्स ऑफ द कंपनी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट ले बिफोर द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD, बिफोर द कंपनी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. हर एजीएम में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एजीएम में उनको रखना ही रखना है, उस पे उनको शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाना ही है. सो इन दैट केस मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो जानेंगे कि कंपनी में क्या हो रहा है, किस तरीके की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उससे मेंबर्स को पता चलेगा, वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. सेकेंडली इन केस ऑफ सब्सिडरी कंपनीज द कंपनी शैल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, उसने नीचे अपनी कंपनी बना रखी है, लेयर्स ऑफ कंपनी, सपोज एक होल्डिंग कंपनी है उसकी दूसरी कंपनी है जो कि सब्सिडरी कंपनी है, then in that case the company shall prepare a consolidated financial statement. तो कंपनी जो टॉप पे है वो consolidated financial statement बनाएगी, मतलब सब अपनी नीचे जो उसने लेयर्स बना रखी है उन सारी कंपनी से लेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसे कंसोलिडेट करेगी, कॉमन आइटम्स को वो हटाएगी और एक एक ट्रू एंड फेयर व्यू कंसोलिडेटेड बनाएगी, एक सिंगल बैलेंस शीट बनाएगी, जिससे कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो एक कंफ्यूज ना हो सके और वो सीधे सीधे उसका मतलब समझ सके, उनके मेंबर्स के लिए इजी के लिए टू मेक देम अंडरस्टैंड इन अ इजी वे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सिस्टम इज मैंडेटरी हियर. एंड ऑल द सब्सिडरीज इंक्लूडिंग एसोसिएट कंपनीज ले बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग. भैया एसोसिएट कंपनीज क्या है, ये थोड़ा सा नया टर्म है. तो एसोसिएट कंपनीज जो हैं वो किस तरीके की कंपनीज होती हैं, जहां पे दो कंपनी हो गई एक्स एंड वाई, सपोज एक्स और वाई, एक्स का 20% आप मान लो वोट कंट्रोल है वाई में, मतलब उसका वोटिंग पावर है. तो अगर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हम 20% को लॉ में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं,
पहले टोटल शेयर कैपिटल पे देखा जाता था, बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 से ये वो टोटल शेयर कैपिटल नहीं देखा जाता 20% में, हम टोटल वोटिंग पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? टोटल वोटिंग पावर। अगर टोटल वोटिंग पावर मेरी दूसरी कंपनी में 20% एटलीस्ट 20% है, तब मैं उसका एसोसिएट कंपनी कहलाऊंगा। ठीक है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल have the power to exempt a class or classes of company from any requirements of this section. Central government के पास power है कि वो किसी को भी section 129 के basic requirements से निकाल सकती है, section 129 किसी companies पे नहीं लगे, exempt कर सकती है, right? Punishment, अगर कोई section 129 का contravention करता है तो क्या penalty है? ये सेम पेनल्टी है जो कि सेक्शन 128 में हमने देखी थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सेक्शन 128 में था, वही सेम टू सेम पनिशमेंट यहां भी वही है कि मैक्सिमम जो जेल होगी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को 1 ईयर की होगी, फाइन जो हो सकता है वो मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है। ये एज पर द डिस्क्रिएशन ऑफ एनसीएलटी है, एनसीएलटी देखेगा क्या फाइन देना है, या तो बोथ भी हो सकता है, या तो किसी को जेल के साथ साथ मिनिमम फाइन या जेल के साथ साथ मैक्सिमम फाइन या कोई बीच का भी फाइन। सपोज आपको 6 महीने की जेल हो गई और आपको फाइन एनसीएलटी ने 3 लाख का बोला, ये भी हो सकता है। इस लॉ का मतलब ही यही है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर, फाइन मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख और बोथ। सो दिस इज एज पर सेक्शन 129। जो भी सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी एरर करने की कोशिश करेगा या कोई कर देगा, कोई भी प्रोविजन सेक्शन 129 का कॉन्ट्रावीन करेगा, उस पर्सन पे ये फाइन लगेगी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। क्लियर? थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप नोइंग, कीप ग्रोइंग एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एडवाटैक फॉर मोर लॉ रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू।